हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टर्बो मशीनरी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लूइड मशीन्स क्या होता है, उसके बाद हम टर्बो मशीन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स देखेंगे और उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे टर्बो मशीन्स। तो स्टार्ट करते हैं कि टर्बो मशीन क्या है। टर्बो मशीन एक कैटेगरी है फ्लूइड मशीन्स की। फ्लूइड मशीन्स उन मशीन्स को बोला जाता है जो कि हैंडल करते हैं लिक्विड या गैसेस को, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों ही कैटेगरी ऑफ फ्लूइड में आते हैं। तो ये जनरल टर्म दिया गया है उन सभी मशीनों को जो कि लिक्विड या गैसेस को हैंडल करते हैं। फ्लूइड मशीन्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला है रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स, जिसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स भी बोलते हैं। इसमें आते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप, कंप्रेसर और आईसी। दूसरी कैटेगरी है लिफ्टिंग मशीन्स की, जिसमें हम फ्लूड का इस्तेमाल करके मशीन कोई भी कंपोनेंट को लिफ्ट करते हैं, जैसे कि जेट पंप हो गया या फिर एयरलिफ्ट पंप हो गया। तीसरी कैटेगरी होती है टर्बो मशीन्स की, जिसमें पंप, कंप्रेसर, फैंस, ब्लोअर्स या फिर टर्बाइन आती है। तो टर्बो मशीन कहाँ से आया? टर्बो और मशीन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें टर्बो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पिन्स और वर्लर, मतलब कोई चीज सर्कुलेशन मोशन कर रही है, सर्कुलेशन मोशन कर रही है मतलब घूम रही है, ठीक, जो कि स्पिन हो रही है। ठीक, तो टर्बो मशीन क्या है? टर्बो मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है किसके बीच, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है किसी भी फ्लोइंग फ्लूड और एक रोटेटिंग एलिमेंट के बीच। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डायनामिक एक्शन। ये डायनामिक एक्शन के कारण होता है, जिससे क्या आता है, प्रेशर और मोमेंटम में फ्लूड के चेंजेस आता है। ठीक, तो टर्बो मशीन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है बिटवीन अ फ्लोइंग फ्लूड एंड अ रोटेटिंग एलिमेंट बिकॉज ऑफ डायनामिक एक्शन, और उसके कारण देयर इज अ रिजल्ट इन चेंज इन प्रेशर और मोमेंटम ऑफ द फ्लूड। तो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टर्बो मशीन। हम सिंपल लैंग्वेज में इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसा डिवाइस जो कि एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करे या एनर्जी इम्पार्ट करे कंटिन्यूअसली मूविंग स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड में, उसको भी हम टर्बो मशीन बोलते हैं। लेकिन जो पहली डेफिनेशन थी, दैट इज मोर कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ टर्बो मशीन। ठीक, तो अब हम आते हैं टर्बो मशीन के प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो टर्बो मशीन में सबसे पहला कंपोनेंट होता है रोटर, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रोटर। ये एक कंपल्सरी कंपोनेंट है टर्बो मशीन का, क्योंकि अगर ये रोटर नहीं हुआ तो हम उस मशीन को टर्बो मशीन नहीं बोल पाए। ये जो रोटर होता है, ये रोटेटिंग एलिमेंट होता है टर्बो मशीन का, जो कि इसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि टर्बो मीन्स जो कि रोटेट हो सकता है, जो कि स्पिन हो सकता है। तो एक रोटर का होना बहुत जरूरी है, और ये वही रोटेटिंग एलिमेंट है टर्बो मशीन का। अब इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसके रडर, इंपेलर, ये डिपेंड करता है कि हम किस मशीन की बात कर रहे हैं। और इस रोटर के ऊपर लगी होती है ब्लेड्स। ठीक, तो रोटर ब्लेड्स के कॉम्बिनेशन में रहता है। अब यही वो एक कंपोनेंट है जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम फ्लोइंग फ्लूड और रोटेटिंग एलिमेंट के बीच में। तो यही वो एलिमेंट है जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक, अब ये देखिए, रोटर अलग अलग टाइप के होते हैं। स्टीम टर्बाइन में जो रोटर होता है वो इस तरीके का दिखता है, वाटर टरबाइन में जो रोटर होता है वो इस तरीके का दिखता है, और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये है हमारे पंप का रोटर, जिसको हम इंपेलर बोलते हैं। ये फैन का रोटर है, एग्जॉस्ट फैन जैसा कि हम देखते हैं, या सीलिंग फैन। और ये रोटर है विंड टरबाइन का। ठीक, तो रोटर में क्या है, एक रोटेटिंग एलिमेंट है जो कि घूमेगा, और उसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, ब्लेड्स या वेन्स। ठीक, तो ये होता है हमारा रोटर, और इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दिस एलिमेंट। ठीक, नेक्स्ट होता है हमारा स्टेशनरी एलिमेंट। स्टेशनरी एलिमेंट को भी हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि गाइड ब्लेड्स, नोजल, और इसको भी किस मशीन की हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका नाम होता है। ठीक, ये जो स्टेशनरी एलिमेंट है, इसका काम क्या रहता है, इसका मेन काम रहता है कि जो फ्लूड है उसको प्रॉपरली गाइड करना, एक पर्टिकुलर जगह में लेके जाना। ठीक, और उसके बाद
यहाँ पे ये फ्लो का डायरेक्शन कंट्रोल करता है और यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन भी होता है। अगर हम नोजल की बात करें तो नोजल में प्रेशर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो स्टेशनरी एलिमेंट के दो काम होते हैं, एक तो एनर्जी का कन्वर्जन करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करता है, और कई जगह में ये गाइड ब्लेड्स का भी काम करता है या गाइड वेव्स का भी काम करता है ताकि फ्लूड एक पर्टिकुलर रास्ते में जाए और प्रॉपर जगह में पहुंचे। अब ये जो स्टेशनरी एलिमेंट है ये एक कंपलसरी कंपोनेंट नहीं है किसी भी टर्बो मशीन का, कई टर्बो मशीन में कंपोनेंट होता है, कई में नहीं भी होता है। एग्जाम्पल जिसमें नहीं होता है हमारा नॉर्मल सीलिंग फैन, सीलिंग फैन में एक ये स्टेशनरी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक, तो ये देखिए किस तरह से होता है, ये नोजल है, नोजल को भी हम स्टेशनरी एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ से क्या है, जो फ्लूड है वो निकल रहा है और जो वेन्स होती है, जो बकेट्स होती है रोटर के ऊपर, उसमें जाके स्ट्राइक करता है। ठीक, दूसरा यहाँ पे देखिए ये स्टीम टर्बाइन की बात करें हम, तो यहाँ पे ये गाइड वेन्स की तरह काम करता है, फ्लूड इधर से निकलता है और ये रास्ता देता है या प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है फ्लूड को कि वो नेक्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड में प्रॉपर डायरेक्शन में जाए। ठीक, तो ये स्टेशनरी एलिमेंट का काम होता है। तीसरा एलिमेंट है इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट। अब देखिए ये इनपुट और आउटपुट शाफ्ट किसी भी टर्बो मशीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हाँ, लेकिन हर एक मशीन में या तो इनपुट होगा या आउटपुट होगा और कुछ मशीन में ये दोनों शाफ्ट भी होता है। ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मशीन में दोनों शाफ्ट हो। अब ये डिपेंड कैसे करता है कि किस मशीन में कौन सा शाफ्ट। अगर कोई टर्बो मशीन पावर एब्जॉर्ब करती है, मतलब उसको चलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है, तो उस मशीन में इनपुट शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट को ही हम एनर्जी देते हैं और वो शाफ्ट रोटर में, रोटर उस शाफ्ट के ऊपर लगा होता है और जब शाफ्ट घूमता है तभी वो रोटर भी घूमता है और उसके साथ उसकी ब्लेड्स भी घूमती है। तो अगर टर्बो मशीन पावर एब्जॉर्बिंग टर्बो मशीन है या पावर एब्जॉर्बिंग मशीन है जिसको चलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, तो उसमें इनपुट शाफ्ट होगा। अगर वो पावर जनरेटिंग मशीन है जैसे कि टरबाइन, टरबाइन हमको एनर्जी देती है, तो वहां पे आउटपुट शाफ्ट होगा। और कुछ मशीन ऐसी होती है कि जो पावर ट्रांसमिट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पावर को ट्रांसमिट करती है, तो ऐसी मशीन में इनपुट और आउटपुट दोनों शाफ्ट होता है। ठीक, तो पावर एब्जॉर्बिंग में आउटपुट शाफ्ट होगा, पावर सॉरी इनपुट शाफ्ट होगा, पावर जनरेटिंग में आउटपुट शाफ्ट होगा और पावर ट्रांसमिटिंग में दोनों ही शाफ्ट होंगे। ठीक, तो देखिए हम देखते हैं, ये हमारा वाटर टरबाइन पेल्टन व्हील का रोटर है और उसके ऊपर वेन्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो शाफ्ट है ये आउटपुट शाफ्ट है। लेकिन वही अगर हम फैन की बात करें, ये पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, इसको चलाने के लिए हमको पावर लगती है, तो यहाँ पे जो शाफ्ट है ये हमारी इनपुट शाफ्ट है, ये आउटपुट शाफ्ट है टर्बाइन में और ये इनपुट शाफ्ट है। वही अगर हम फ्लूड कपलिंग की बात करें जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक, तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों ही शाफ्ट होता है। ठीक, अब कोई भी मशीन में कम से कम एक शाफ्ट का होना जरूरी है, अदरवाइज वो हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होगा। चौथा एलिमेंट है हाउसिंग, जिसको हम केसिंग भी बोलते हैं। अब हाउसिंग का काम क्या होता है, सबसे पहले तो कि ये भी कोई एक नेसेसरी पार्ट नहीं है टर्बो मशीन का, ये किसी टर्बो मशीन में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और अगर वो किसी टर्बो मशीन में होती है तो उसका काम क्या रहता है, वो जो फ्लूड है हमारा उसके डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और पूरे के पूरे जो फ्लूड है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करके इनलेट से लेके आउटलेट तक उसको लेके जाता है। यहाँ पे जो है एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होता। कुछ कुछ जगह में हाउसिंग ये रोल प्ले करती है लेकिन मैक्सिमम जगह में यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लूड आ रहा है, ठीक, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा है और उस जगह पे ले जा रहा है कि वो इधर उधर ना हो, फ्लूड इधर उधर ना हो, जिस प्रॉपरली जिस जगह में लेके जाना है, जिस जगह में फ्लूड को जाना है उसी जगह में ये हाउसिंग मदद करती है और फ्लूड को लेके जाती है। ठीक, अब ये जो हाउसिंग है अगर फ्लूड में है, टर्बो मशीन में है, तो हम उस टर्बो मशीन को बोलेंगे एनक्लोज मशीन, और अगर हाउसिंग टर्बो मशीन में नहीं है तो हम उस मशीन को बोलते हैं एक्सटेंडेड मशीन। जैसे कि हमारा अगेन सीलिंग फैन, सीलिंग फैन में किसी भी प्रकार की कोई भी हाउसिंग नहीं होती है। ठीक, ये दो नाम से जाना जाता है, हाउसिंग और केसिंग। तो ये देखिए जब हम पेल्टन व्हील की बात करते हैं तो ये हमारा हाउसिंग है। ठीक,
ये हाउसिंग है जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, जिसके अंदर रोटर और ब्लेड लगे हुए हैं, और ये हमारा टरबाइन का जो हाउसिंग है, ये हमको रोटर दिख रहा है और ये चारों तरफ से फ्लूड आ रहा है, और ये कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन का हाउसिंग है जिसको हम केसिंग बोलते हैं, ठीक, या फिर स्पाइरल केसिंग भी इसको बोला जाता है। तो हाउसिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, जब हम डिटेल में जाएंगे टर्बो मशीन्स में तो हम देखेंगे अलग अलग टाइप की हाउसिंग। नेक्स्ट जो होता है डिफ्यूजर या ड्राफ्ट ट्यूब होता है। ये डिफ्यूजर क्या होता है? ये डिफ्यूजर एक पैसेज होता है जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन का होता है, और जहां पे जब फ्लूड फ्लो होता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक। जनरली जो डिफ्यूजर होता है वो कंप्रेसर में लगा होता है आउटलेट में, और डिफ्यूजर का ही एक टाइप है ड्राफ्ट ट्यूब, सेम फंक्शन है इसका भी कि काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करे, लेकिन जब वो डिफ्यूजर वाटर टरबाइन में लग जाता है या हाइड्रोलिक टरबाइन में लग जाता है तो हम उसको ड्राफ्ट ट्यूब बोल देते हैं, ठीक। तो जब वो कंप्रेसर में होता है तो डिफ्यूजर इस टाइप का है जहां पे एरिया कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ये जब है जब वो टरबाइन में लग रहा है, और ये एग्जैक्ट पिक्चर है ड्राफ्ट ट्यूब की, ठीक। तो दिस आर द कंपोनेंट ऑफ टर्बो मशीन। अब हम आते हैं उसके क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले एनर्जी कंसिडरेशन के बेस पे है, तो इसमें दो टाइप की टर्बो मशीन है। एक होती है पावर एब्जॉर्बिंग, जहां पे रोटर रोटर के पास जो एनर्जी है वो फ्लूड पे ट्रांसफर होती है। दूसरी होती है पावर जनरेटिंग मशीन, जहां पे फ्लूड के पास जो एनर्जी है वो रोटर को ट्रांसफर करती है अपनी एनर्जी, फ्लूड से रोटर में ट्रांसफर होती है, ठीक। पावर एब्जॉर्बिंग मशीन जैसा कि पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, ये सब क्या है? पावर एब्जॉर्बिंग मशीन। पावर जनरेटिंग मशीन, टर्बाइन इज अ पावर जनरेटिंग टर्बो मशीन, विंडमिल इज अ पावर जनरेटिंग टर्बो मशीन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लूड किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रोटर, उसके बेसिस में टर्बो मशीन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है रेडियल फ्लो, जहां पे जब फ्लूड फ्लो होगा तो उसका रेडियस कंटिन्यूअसली चेंज होगा, मीन्स सेंटर से डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज होगी, वो रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक। दूसरा है एक्सियल फ्लो, जहां पे जो फ्लूड है, जो रोटर है, उसके एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेगा, ठीक, अलोंग द एक्सिस, तो इसलिए उसको एक्सियल फ्लो बोलते हैं। अब जहां पे फ्लूड कॉम्बिनेशन में फ्लो करे, रेडियल फ्लो भी कर रहा है और एक्सियल फ्लो भी कर रहा है, ऐसे मशीन को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्लो मशीन, ठीक। तो रेडियल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो रेडियल, एक्सियल में फ्लो कर रहा है तो एक्सियल, और अगर दोनों का मिला के फ्लो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्लो मशीन। और तीसरा होता है टेंजेंशियल फ्लो मशीन, जहां पे जो फ्लूड है वो जो रोटर है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लो करता है, मीन्स जब फ्लूड आएगा तो रोटर से एक टेंजेंट बनाएगा, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल फ्लो मशीन। नेक्स्ट कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन ऑफ मशीन या कवरिंग ऑफ मशीन, ठीक। तो कवरिंग ऑफ मशीन में दो टाइप की मशीन है। अगर वो मशीन ओपन है तो हम उसको ओपन या एक्सटेंडेड मशीन बोलेंगे, अगर वो मशीन क्लोज है तो हम उसको एनक्लोज मशीन बोलेंगे। जनरली जो टर्बाइन होती है, पंप होती है, वो एनक्लोज मशीन की कैटेगरी में आती है, क्योंकि वो पूरी क्लोज होती है, हाउसिंग के अंदर होती है, और जो विंडमिल है या फिर सीलिंग फैन है या एग्जॉस्ट फैन है इसको हम ओपन मशीन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द टाइप ऑफ फ्लूड हैंडल। तो फ्लूड तीन टाइप, दो टाइप के होते हैं, वाटर और एयर, और एक और कैटेगरी इसमें होती है गैस। तो हम अगर वो मशीन जो है वो टर्बो मशीन अगर वाटर हैंडल कर रही है तो उसको वाटर टर्बो मशीन बोलेंगे, अगर स्टीम हैंडल कर रही है जो कि स्टीम टर्बाइन होती है तो हम उसको स्टीम टर्बो मशीन बोलेंगे, और अपार्ट फ्रॉम अगर वो कोई और गैस हैंडल कर रही है तो उसको हम गैस टर्बो मशीन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ फ्लूड ऑन द मूविंग ब्लेड। देखिए रोटर के ऊपर जो ब्लेड लगी हुई है, जो वेन्स लगी हुई है, उसको हम बोलते हैं मूविंग ब्लेड, वो क्योंकि मूव कर रही है, ठीक। तो अगर, और जनरली ये वाली जो कैटेगरी है ये टर्बाइन पे लागू होती है, तो दो टाइप से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, एक होती है इंपल्स मशीन और दूसरी होती है इंपल्स रिएक्शन मशीन, ठीक। यहाँ पे दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया। इम्पल्स मशीन हम किसको बोलते हैं? जहां पे जो स्टीम आ रही है, ये स्टीम टरबाइन के लिए टर्बाइन
टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इंपल्स टर्बाइन या इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन। तो अगर जो स्टीम आ रही है जो कि हाई प्रेशर स्टीम है, वो अगर मशीन में आ रही है और जब मशीन में आई और अगर वहां पे प्रेशर का ड्रॉप सिर्फ नोजल में हो रहा है, जब वो नोजल से निकल के ब्लेड में आके स्ट्राइक कर रही है, तो जब अगर प्रेशर का ड्रॉप सिर्फ नोजल में हो रहा है और जब वो ब्लेड्स में आके टकरा रही है या रोटर से जब जा रही है, तो वहां पे प्रेशर का ड्रॉप अगर नहीं हो रहा, तो ऐसी मशीन को हम बोलते हैं इंपल्स मशीन या इंपल्स टर्बाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ नोजल में हो रहा है और ब्लेड ब्लेड में या रोटर में किसी भी प्रकार का कोई भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं अगर हम इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन की बात करें, तो यहाँ पे जो प्रेशर का ड्रॉप होता है वो टर्बाइन मूविंग ब्लेड में भी होता है और फिक्स ब्लेड जिसको हम नोजल बोलते हैं उसमें भी होता है। तो दोनों में अगर प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है तो हम ऐसे मशीन्स को बोलते हैं इंपल्स रिएक्शन मशीन। ठीक, तो जब यहाँ पे मूविंग ब्लेड में जब प्रेशर का ड्रॉप होता है तो क्या होता है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी का जनरेशन होता है, क्योंकि हमने देखा है जैसे जैसे प्रेशर ड्रॉप होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो पहले इंपल्स मशीन में क्या हो रहा था, जो प्रेशर का ड्रॉप हो रहा था वो सिर्फ नोजल में हो रहा था, तो वहीं पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, और फिर जब मूविंग ब्लेड में वो ट्रेवल कर रही थी तो कंटिन्यूअसली इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही थी। ठीक, लेकिन जब हम इंपल्स रिएक्शन मशीन की बात करते हैं तो जो प्रेशर का ड्रॉप होता है वो नोजल या फिक्स ब्लेड में भी होता है और फिर उसके बाद मूविंग ब्लेड में भी होता है। तो जब फिक्स ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फिर मूविंग ब्लेड में आई, तो वहां पे भी प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जनरेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का। और इसके कारण क्या होता है, जो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है वो ब्लेड में, जिसको हम प्रोपेलिंग फोर्स बोलते हैं, और ये दोनों फोर्स, एक तो इंपल्स कारण और दूसरा रिएक्शन के कारण, दोनों फोर्स मिलके ब्लेड को घुमाते हैं और उसके कारण रोटर बहुत तेजी से घूमता है। ठीक, तो यहाँ पे इंपल्स मशीन, अगर प्रेशर का ड्रॉप सिर्फ नोजल में हो रहा है तो इंपल्स रिएक्शन मशीन, अगर प्रेशर का ड्रॉप मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड दोनों में हो रहा है या नोजल में भी हो रहा है और उसके बाद फिर मूविंग ब्लेड में भी हो रहा है। अब देखिए, इंपल्स में अगर मूविंग ब्लेड में प्रेशर का ड्रॉप नहीं हो रहा है, मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मूविंग ब्लेड का वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर इंपल्स रिएक्शन मशीन में अगर प्रेशर का ड्रॉप हमको मूविंग ब्लेड में भी रखना है तो वहां पे हमको एरिया कंटिन्यूअसली डाइवर्जिंग बनाना पड़ेगा ताकि प्रेशर का ड्रॉप हो, ठीक, या सॉरी कन्वर्जिंग बनाना पड़ेगा, प्रेशर का ड्रॉप हो और वहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़े। ठीक, तो दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बो मशीन्स। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।